इनसे मिलिए, ये है ज़ैनब, बट यू माइट नो हर एज बेकरटूथ। आज के पॉडकास्ट में वी गेट कैंडिड विद दिस कंटेंट क्रिएटर अबाउट मेंटल हेल्थ। मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया। आई यूज्ड टू सेट ऑन द फ्लोर एक कॉर्नर में and I just used to refresh the page again and again and again about sharing her life on social media and about economics of this business. ab jis tarah is mahine mein can I say out figures, I mean your god, it's nahi, I do want to share the figures because I want to change this perspective. Being an influencer or a content creator is not a real job. So welcome to another episode of Out of the Box. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स। आज हमारे साथ हैं एक बहुत स्पेशल गेस्ट जिनके साथ मेरी थोड़ी सी रिश्तेदारी भी निकल आई है। वी हैव अ कंटेंट क्रिएटर विद अस हु इज़ मेकिंग वेरी स्पेशल कंटेंट ऑनलाइन। उनका चैनल बेकरटूथ के नाम से अवेलेबल है ऑनलाइन, बट उनका अपना नाम है ज़ैनब तारिक। वेलकम टू द शो। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। वेलकम ज़ैनब। हम आपको इस पॉडकास्ट को शुरू करेंगे, बातें करने से पहले हम एक रैपिड फायर सेशन करना चाहते हैं आपके साथ। सो दैट इट इज़ अ न्यू इंट्रोडक्शन, सो दैट आवर ऑडियंसेस कैन गेट टू नो यू अ लिटिल बिट। सो वन वर्ड टू डिस्क्राइब योरसेल्फ। इम्पल्सिव। What inspires you the most? I have a lot of inspirations. I have so many content creators जो मेरी inspiration हैं, so I can't like put my finger on one. Yeah, okay. एक चीज़ जो आपको पाकिस्तानी कल्चर के बारे में बहुत पसंद है। पसंद है कि हम लोग बहुत मिलनसार हैं। नाइस। और एक चीज़ जो आपको हमारे कल्चर के बारे में नहीं पसंद है? हम क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। वी नीड टू हैव एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग। तो आपको सबसे ज़्यादा परेशान क्या चीज़ करती है? आई थिंक मेरी अपनी सोच ही मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आई टेंड टू ओवर थिंक अ लॉट। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और वो बहुत ज़्यादा सोच के छोटी चीज़ों के बारे में मैं अपने आप को खुद ही परेशान करती हूँ, हालांकि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती। आई थिंक हम तीनों एक और लिंक निकला है। Both of us, we're all, I'm a serial overthinker, so I can relate to that. One advice for everyone. Like, one advice for everyone? Yeah. Mind your own business. For sure. One person who inspired you the most growing up? I think I have always looked up to my dad. So, yeah, my dad. Yeah. One thing you like about yourself? About myself? Yeah. ये चीज़ अच्छी भी है और ये चीज़ बुरी भी है। मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ और आई थिंक उसकी वजह से आई एंड अप क्रिएटिंग अमेजिंग कंटेंट, बट एट द सेम टाइम वही ओवरथिंकिंग वाली बात, मैं एक ही चीज़ को इतना ओवरथिंक करती हूँ कि फिर मुझे वो चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक वो बन जाती है। सो आई थिंक आई लव दिस थिंग अबाउट मी, आई एम अ वेरी परफेक्शनिस्ट। आई थिंक इट आंसर्स द सेकंड क्वेश्चन एज वेल, दैट वन थिंग यू डोंट लाइक अबाउट योरसेल्फ। अब ये वाला मेरे पे आ गया, बट आर यू अ फेमिनिस्ट और नॉट? Yeah, I am a feminist. Huh? And are you into politics or not? I am not that much into politics. Yeah. Pakistan in the next 5 years. Do you see Pakistan? How do you see Pakistan in the next 5 years? We have a lot of, you know, खास तौर पे जो Gen Z है और even some millennials, they are doing great things right now, and a lot of changes happening. So I see great things happening in Pakistan in the next few years. Nice, yaar. Achha, sweetest thing anyone has ever done for you? My followers, every morning when I wake up, so हमेशा जहाँ पे सो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं या फिर मैसेजेस होते हैं, वहाँ पे बीच में 4-5 मैसेजेस होते हैं जो कि एट टाइम्स ऐसे होते हैं कि यू चेंज्ड माई लाइफ, योर कंटेंट मेड मी लव माई सेल्फ, सो दैट इज़ लाइक यू नो वो चीज़ें मेरे पूरे दिन की हाईलाइट बन जाती हैं फिर, सो आई रियली लव दैट। अ वेलफेयर कॉज, एनी थिंग, एनी आइडिया दैट यू थिंक वी शुड ऑल गेट बिहाइंड? आई थिंक राइट नाउ पाकिस्तान में सबसे बूम जो एक चीज़ कर वो फेमिनिज्म है, सो आई थिंक वी ऑल शुड लुक एट इट इन अ पॉजिटिव वे। या, यस, फॉर श्योर। इट हैज अ बैड ब्रांड इमेज राइट नाउ, ना, वी नीड टू करेक्ट दैट। एग्जैक्टली एंड इट्स ग्रेट कि यू नो कंटेंट क्रिएटर्स ऑनलाइन आर टॉकिंग अबाउट इट, स्पेशली more and more women content creators are willing to talk about it. So, बहुत amazing है. Thank you so much. That was it for our rapid fire session. I loved it. You were amazing. अच्छा, अब हम थोड़ी सी detailed discussion करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं आपके platform की. मुझे बताएं कि कैसे आया आपको idea कि आप बेकर? हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब ख़ास तौर पे अब जब मुझे इस तरह के messages आते हैं कि ओ आपकी वजह से मैंने मेरा अपना पर्सपेक्टिव मेरे बारे में बहुत चेंज हो गया आपके कंटेंट की वजह से। सो मैं शुरू से ही कुछ ऐसा करना चाहती थी, क्योंकि मैंने जिस तरह पहले बोला कि मैंने शुरू से ही अपने डैड को आई हैव लुक्ड अप टू हिम. सो माई डैड इज़ अ वेरी सोशल पर्सन एंड ही बिलीव्स इन हेल्पिंग अदर पीपल बहुत ज़्यादा. आई हैव ग्रोन अप सीइंग हिम हेल्पिंग पीपल, अपलिफ्टिंग द कम्युनिटी. एग्जैक्टली. सो मे बी आई गॉट दैट थिंग फ्रॉम हिम एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग. सो जब कोरोना हुआ और पेंडेमिक था तो मैं अपने मास्टर्स के लिए ब्राइटन में थी और वहाँ पे तो फुल एग्जैक्टली बिल्कुल बंद. आप यू कांट ट्रैवल बैक टू पाकिस्तान. मैं पाकिस्तान नहीं आ सकती थी, मैं वहाँ पे थी, मेरी यूनिवर्सिटी बंद थी और मेरा 2 बेडरूम फ्लैट था और मेरी बहन भी वहाँ पे मेरे साथ नहीं थी क्योंकि वो थोड़ा अर्सा पहले ही पाकिस्तान आ गई थी. So I was alone there. She was stuck there, you were stuck there. Exactly. So I was there. It was a small apartment और मेरे पास कुछ ज़्यादा करने को नहीं था. सब classes online थी. तो तब I was like कि अच्छा मुझे कुछ करना चाहिए. और तब आई स्टार्टेड क्रिएटिंग सम टिकटॉक्स. मैंने टिकटॉक्स से शुरू किया और वो फ़नी टिकटॉक्स मैंने अपलोड करना शुरू की और फिर उसके बाद मुझे नाम नहीं समझ आ रहा था, अब मैं नाम क्या रखूँ. तो फिर मुझे थोड़ा सा क्लिक किया कि यार यू आर गोइंग टू गेट कॉल्ड बैड नेम्स वन डे और द अदर, सो लेट्स गो विद इट. हाँ, मैं खुद ही अपने आप को इसी तरीके से मार्केट करती हूँ. And I do get called Bakertooth literally a lot. हाँ, ये तो है ही Bakertooth. इसके करतूत ही नहीं अच्छे नाम लगेगा. अच्छा, Bakertooth legitimately एक लफ्ज़ है. हाँ हाँ, I thought तुम्हारी उर्दू मेरे से बहुत बेहतर है. नहीं, मेरी इतनी भी उर्दू अच्छी नहीं है. ये वो गाने में भी आता है ना Bakertooth या समथिंग, गाने के लिरिक्स में भी है, तो मुझे तो उससे याद है. हाँ तो हाँ, so that's how it all started. Nice, that's so amazing. सही है. And it's been a year कि आप content बनाना. It's been a year. हाँ. I think you had to go through it for the podcast. I think mid 2020 yeah July 2020 yeah. मैं I went to the first, so I do that I go to the first video of any content creator ताकि आप ज़रा देखो अच्छा क्या फील थी, how they changed. I'll talk about that as well. और even in the beginning when I started तो मेरे से stories पे बात नहीं होती थी. ठीक है, मैं normally हाँ live sessions हाँ मैं normally बात नहीं कर सकती थी जिस तरह अभी मैं normally बात कर रही हूँ. and this is how I talk on stories now. तो तब लिपसिंग लाइक वॉइस ओवर वो वाला exactly that's the thing I noticed. हाँ क्या है ये वॉइस ओवर. सो लाइक यू नो इफ शी अगर भी वीडियो कर रही हैं तो वो पीछे ट्रैक जो टिकटॉक बेसिकली करता है तो इंस्टा पे भी वही थी, तो वही चीज़ मैंने नोटिस की थी. देन वेरी लेटर ऑन आप आई स्टार्टेड टॉकिंग. एग्जैक्टली, वो भी आई थिंक कोई इफ आई लाइक फेब्रुअरी 2021 वाली. सॉरी मैंने बहुत रिसर्च की है. मैं आई एम नॉट अ क्रीप, मैंने सिर्फ पॉडकास्ट के लिए चीज़ें लिखी है लेकिन या सो आई हाँ तो यार दैट्स बट सी दैट ये और भी शो करता है कि आई थिंक फॉर एनी वन एल्स जो नॉट जस्ट कॉन्टेंट क्रिएटर बनना चाहता है, कोई भी काम शुरू करना चाहता है, यू डोंट लर्न यू आर नॉट द बेस्ट ऑन योर फर्स्ट डे. ठीक है, एंड ऑब्वियसली द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट एक अलग बात होती है. सो आप भी यू प्रोग्रेस ऑब्वियसली दैट शोज. एक रीज़न बल्कि मैंने ईशा से ये चीज़ कॉपी की थी जो हमारी गेस्ट थी कि किसी भी कंटेंट प्लेटफॉर्म का आप पहली वीडियो देखो सो टू रियली अप्रिशिएट कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट वो आपको भी मोटिवेट करती है. ये एक जनरल चीज़ समझ जो मुझे भी अभी रिसेंटली आई है कि आप कुछ भी कोई भी काम पकड़ो, आप उसको लगातार काफ़ी अच्छे करो, आपको कुछ एक तो एक्सपीरियंस और आपका कॉन्फिडेंस भी साथ बिल्ड होता जाएगा. तो करते रहें, कीप एट इट डूइंग, कीप डूइंग इट. और इस एक साल में क्योंकि 1 साल हुआ है मुझे भी कंटेंट क्रिएशन में ना, मेरी पर्सनालिटी इतनी बिल्ड हुई है, इतनी ज़्यादा बिल्ड हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ Bakertooth. और मैं अक्सर जब मैं लाइव भी जाती हूँ Bakertooth से तो मैं ये चीज़ बताती हूँ कि Bakertooth हैज़ लिटरली हेल्प मी सो मच. मतलब मेरा पूरा एक वो पर्सनैलिटी शिफ्ट आया है. आई यूज़ टू बी अ वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सन और बात नहीं मैं नॉर्मली करना और ख़ास तौर पे ऑन कैमरा डायलॉग्स जिस तरह भी देखा होगा मेरी वीडियोस होते हैं, मैं डायलॉग्स बोलती हूँ बिल्कुल जिस तरह यूर ऑन स्क्रीन. तो पहले तो सिर्फ वो लिप सिंक वाली जो टिकटॉक नॉर्मली हाउ टिकटॉक्स आर, तो पहले मैं उस तरह करती थी. सो येस आई डू एग्री विद हिम कि आपको ये चीज़ें व्हेन यू सी योर फर्स्ट पोस्ट एंड देन द रीसेंट इट अपलिफ्ट्स यू एज वेल. और पर्सनली तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. वेन एवर आई ट्राई टू गो आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन एक आपका मोनोलॉग चलता है, सो यू रिमेंबर दैट क्या बिकॉज वो एक आपने यू हैव टू रिप द बैंडेड. एग्जैक्टली हाँ, नहीं मुझे बहुत अच्छे से याद है जो मेरा स्टार्टिंग का कुछ कंटेंट पीसेस थे, आई थिंक 10-15 जो मेरे पोस्ट थे और मैं सारा दिन बैठ के उन्हें देखती रहती थी कि हाउ आर पीपल लाइकिंग इट, क्या कॉमेंट्स आ रहे हैं, लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में. और वो इतना ज़्यादा वो इंटेंस हो गया था कि आई लिटरली कॉम्प्रोमाइज माई मेंटल हेल्थ. सो स्टार्टिंग के जो फ्यू मंथ्स थे लाइक मेरे ख्याल से हार्डली देवर लाइक 2 to 3 months, क्योंकि 2 to 3 months के बाद I started getting mass following एकदम से. So it was really hard. I did compromise my mental health. वो starting में खुद ही, फिर उसके बाद भी थोड़ी बहुत हुई because of the hate that then I started getting. So starting में it was really 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 hard, but I do want to pat myself on the back for one thing कि मैंने खुद ही फिर अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाला. ये एक चीज़ अगेन इन योर रिसेंट वीडियो जो मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आई रेजोनेटेड विद इट कि यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट जिसमें यू नो यू हैव दिस पूरा ऑरा एंड यू आर डूइंग योर थिंग, बट देन अगेन एक दो वीडियोज़ के बाद यू आर ऑल्सो शोइंग वीडियोज़ वेर यू स्ट्रगलिंग, जहाँ आपसे कॉन्टेंट नहीं बन रहा. आई थिंक बड़ी रिसेंटली भी एक आई हुई है एंड यू लाइक यार मेरी फ्लो नहीं समझ आ रही है, आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग, which I felt ke it's very important for any influencer to do because people look up to you. And let's even talk about Gen Z, which are unka to influence and exposure hi aajkal sara social media pe. So obviously when you keep showing them perfection, unko perfection dikhate rehte ho to wo banda वैसे ही एक अजीब होता है. But when an influencer especially with so many followers अपनी रॉ साइड सामने रख देता है कि यार देखो मेरे से नहीं हो रहा, मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हुआ है, आई एम नॉट इन द परफेक्ट मेंटल हेड स्पेस राइट नाउ, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है. एक चीज़ जो अभी मैंने रिसेंटली देखी थी वो ये थी कि आई फॉलो योर कॉन्टेंट बाय द वे, थैंक यू. सो रिसेंटली आई रिमेंबर आपने एक स्टोरी लगाई थी अबाउट यू नो पीपल अपडेटिंग स्टफ अबाउट देयर प्राइवेट लाइफ ऑनलाइन, ठीक है, व्हाट्सएप के स्टेटस एंड ऑल, ठीक है. And then I also noticed that there's also this need to not be very rigid about your opinions. Okay, then you went ahead and told the audiences that no, my attempt was to be witty and my attempt wasn't to come across as somebody who just अपना opinion, you know, is forced करिए किसी पे. I really liked that about your content. Okay. The fact that you know you're accepting कि मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है. The fact that you're present online, वो आपका शौक है. You like interacting with audiences. You like कि अच्छा मैं ये time अपना इस तरह से इस्तेमाल करूँ. But that just because I'm a social media person or like I'm a content creator, that does not mean कि मैं इंसान होना बंद हो गई हूँ. तो आई थिंक इस तरह के प्रेसिडेंट्स लोगों के साथ सेट करना, मुझे पहले तो ये जानना है कि लोगों का क्या रिएक्शन था इस पर. यू नो व्हेन यू एड्रेस द फैक्ट कि नहीं मैं भी इंसान हूँ, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी. क्योंकि कभी कभी होता है कि हम जिस तरह बात कर रहे हो अगले को टोन अलग लगती है, अगले काफ़ी चीज़ें वही जो हम भी बात करते हैं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. तो बेसिकली उस दिन क्या हुआ था कि ऑब्वियसली आई हैव अ व्हाट्सएप, तो सबके स्टेटसेस आ रहे होते हैं और मैं अक्सर काफ़ी अरसे से मैं नोटिस कर रही थी कि oh, some people they put up very sad statuses and when I message them and they're like, oh no, I just put it up Emmy because I was feeling like that. So my intention was actually to be very witty about it क्योंकि मैं पहले भी at times I try to neutralize my content कि अगर एक side पे मैं बहुत raw और कह लो कि थोड़ा sad content अपनी sad realities दिखा रही हूँ, तो दूसरी side पे I don't want my audience to feel like oh ये तो रोती रहती है हर वक्त, you know. So then I make some funny content as well and then at the same time I also make some thoda vibe wala content as well ke I can be pretty as well, theek hai. So basically my content is like a mixture. So mera us din stories pe main maqsad ye tha ki oh I'll just be witty about it, theek hai. People will definitely relate to it kyunki ye hota hai and people did relate to it, but beech mein there were like some messages ke they were like oh ye ठीक नहीं है. आई विल नॉट से द पूरे मैसेजेस या बट ये ठीक नहीं है ये वो. सो देन आई डिस्कस्ड इट विद अ फ्रेंड एंड आई वाज लाइक अच्छा आई पुट अप दीज स्टोरीज, सो व्हाट डू यू थिंक. सो शी वाज लाइक you being a person in spotlight all the time or basically you have followers because you are very raw and you talk about mental health. So everybody has a different coping mechanism, so you should not be talking about this. And I was like yeah, that actually sounded very rude. I did not intend to sound like that. So then I apologized और जितने hate message, I was amazed जितने hate messages थे ना वो within seconds they turned into love. I was so amazed, yeah. Like the person who was sending me a message के you have no idea how shitty you sound right now, उसका अगला message था oh my god I love you for this, and I was like oh okay. I think we've said something हमें लगता है कि we can't take it back, लेकिन but it's very smart on your part because जिस society में हम रहते हैं you have given yourself the space अपने फॉलोअर्स के सामने, क्या देखो मैं गलती करूँगी ना तो मैं वापस ले लूँगी, कुछ ईजी है. the people who don't do that वो फिर cancel होते हैं and बहुत ज़्यादा not just cancel. पता है क्या influencers क्यों लोग इनको follow करते हैं? यही ना कि people are looking up to you, people will listen to what advice you have to give, what your opinions are. Essentially अपना भी काम थोड़ा सा आसान कर रहे होते हैं ना कि कोई और उनके लिए opinions बना रहा है, तो scapegoat भी ढूंढते हैं उसी को. बिल्कुल. तो जब हमें पता है कि आपकी general population का थोड़ा flow वो है, उसमें अगर आपको इन जैसे लोग भी मिल जाएं जो इंसान होने की बात करें, तो फिर लोगों को भी समझ आती है कि गुफ्तगू से आधी से ज़्यादा चीज़ें हल हो जाती हैं. बिल्कुल. नॉर्मली कुछ जगहों पे वी वोंट टेक नेम्स, लेकिन काफ़ी जगहों पे नहीं होता. बिल्कुल. अगर हम लोग बस लड़ते रहें कि सजावल का ये ओपिनियन, अलवीना का ये ओपिनियन, और बस एक दूसरे को कैंसिल करते रहें, लड़ते रहें, तो फिर लोग भी यही सीखेंगे, लोग भी यही बातें करेंगे. जब इतना फ्लक्स है इंसान में, तो अपने कॉन्टेंट को बनाना कितना आसान या मुश्किल हो जाता है. फॉर इंस्टेंस आपने कंटेंट निकाला और उससे आप अगले दिन रेजोनेट नहीं कर रही हो, तो फिर क्या करती हो? हाँ, सो ऐसा हुआ मेरे साथ. आप लोगों ने देखा होगा कि स्टार्टिंग में बहुत डिफरेंट था मेरा कंटेंट, अब बहुत शिफ्ट हो रहा है. स्टार्टिंग में मैं बड़े फ़िल्टर्स भी, आई एम नॉट सेइंग कि देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग विद यूजिंग फ़िल्टर्स, क्योंकि मैंने पहले एक दफ़ा ये अपनी स्टोरीज़ पे बात की थी, तो आई गॉट अ लॉट ऑफ हेट कि ओ यू आर लुकिंग डाउन ऑन पीपल हु यूज़ फ़िल्टर्स, एंड आई वाज लाइक नो, आई एम जस्ट सेइंग दैट आई डोंट यूज़ फ़िल्टर्स. सो पहले स्टार्टिंग के कॉन्टेंट में मैं बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स यूज़ करती थी, बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करती थी. नॉट दैट देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग इन वेयरिंग मेकअप, आई एम वेयरिंग मेकअप राइट नाउ. सो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, थोड़ा सेल्फ लव ख़ुद भी मेरे अंदर आना शुरू हुआ, तो नाउ अब मैं जिस भी हालत में होती हूँ मैं उसी तरह आई कैन मेक स्टोरीज़, आई कैन गो लाइव, उसी तरह आई कैन मेक कॉन्टेंट लाइक लिटरल कॉन्टेंट, बिल्कुल उसी हालत में. सो बीच में कभी कभार होता है कि अगर मुझे फ़ील हो रहा हो कि ओ मैंने आज से कपल मंथ्स बैक एक पीस ऑफ कंटेंट बनाया था जो कि अभी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, क्योंकि मेरी ऑडियंस अब जिस तरह की बिल्ड हो गई है शायद उनको ये प्रॉब्लमेटिक लगे. सो आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन आर्काइविंग इट. या सो हाँ, आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन आर्काइविंग इट. ऐसा तो कोई चक्कर नहीं कि वो इंस्टाग्राम पे वो मोनेटाइज हो रहा है यूट्यूब की तरह, सो आई कैन आर्काइव इट एनी टाइम. या बट अगर कोई और इस तरह का चेंज मेरे अंदर है कि जो मेरा ही है, लाइक जिससे शायद मेरा थॉट प्रोसेस ही क्लैश करे बट ऑडियंस का ना करे, सो आई ट्राई टू मेक पीस विद इट कि ओ लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, जस्ट लेट इट बी, लेट इट बी. अच्छा ज़ैनब, आप मुझे बताएं कि ये फुल टाइम कर रही हैं आप, कि इसके साथ पढ़ाई भी कर रही हैं, लाइक व्हाट आर द स्टफ आर यू परसूइंग अलॉन्ग विद इट? एंड जी पहले इसका जवाब. नहीं, आई थिंक मैं उसका सेकंड पार्ट पहले जवाब दे देती हूँ. सो अभी तक तो मैं पार्ट टाइम कर रही हूँ, या बिकॉज माई जॉब इज़ बेसिकली रिमोट, सो आई गेट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन माई हैंड्स. और पहले जब मैंने स्टार्ट भी किया था तो मैं साथ साथ पढ़ रही थी. हाँ, सो अभी आई हैव प्लान्स अगेन टू परसू एन अदर कोर्स. सो बेसिकली अभी तक तो ये सारा जो है वो पार्ट टाइम चल रहा है, फुल टाइम नहीं चल रहा. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट आई हैवंट अपग्रेडेड माई कैमरा येट. मैं अभी भी फ़ोन से सारा शूट करती हूँ, बट आई थिंक आई एम डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब एट इट. अ कपल मंथ्स बैक जब वो बहुत एकदम से वो क्राउड आना शुरू हुआ, तो आई गॉट सो ओवरवेलम्ड एंड देन आई पोस्टेड अ स्टोरी कि ओ आई एम थिंकिंग टू यू नो इम्प्रूव द क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी. सो फॉलोअर सेड, बहुत अच्छी बात उन्होंने मुझे बताई कि इफ़ यू गेट अ कैमरा, इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी. एग्जैक्टली, वी हैव टू एक्सपोर्ट इट, एडिट इट. स्पीकिंग ऑफ पार्ट टाइम, ऑब्वियसली वी जस्ट जनरली वांट टू नो नॉट द स्पेसिफिक्स. सो पीपल, कोई कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में, और आई डोंट नो द करेक्ट वर्ड फॉर इट, बट लेट्स से कंटेंट क्रिएटर स्लैश इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में पीपल आर ऑफन interested in knowing कि यार as an economics उसकी economy कैसे चलती है. Some people are like यार कुछ भी नहीं है कुछ. अगर कोई genuinely अपना expression ढूंढना चाह रहा है और ये चीज़ करना चाहता है, is there वहाँ पे मिल जाते हैं आपको कि that you can survive on something? Is it return on investment मिल जाती है लोगों को? Is it something or is it just like you can do it as a hobby and not as a full time thing? I mean I know there are people, but normally we see them at the top, वो जो cream होती है, but there are so many influencers and बहुत market divide हुई है. So what do you think with that उसके regard से? जो अभी तक मेरा experience रहा है और जो fellow creators जिनके साथ थोड़ा बहुत मेरा राब्ता है, जो मुझे पता चला है कि they all do it as a part time thing. I can't say anything about YouTubers क्योंकि YouTube का बहुत different scene है. But talking about Instagram, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ तो My earning, it basically depends. It depends month to month. It vary month to month. Since वो Instagram का content monetize नहीं होता कि मेरी कोई वो set earning है. It depends on how many branded deals I'm doing. अब जिस तरह इस महीने में, can I say out figures? I mean, your call. You don't have to. We just need a general कि अच्छा क्या scene है, because people ना like कंफ्यूज होते हैं. लाइक हमारे पास कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएटर है कोई आया तो लाइक यार जैसे नताशा नूरानी आई हुई थी तो आई वाज आस्किंग करके यार म्यूज़िक इंडस्ट्री में ये जो इंडिपेंडेंट अपना हसन रहीम एंड ऑल दीज पीपल आर कमिंग अप तो लाइक क्या सीन है, हाउ दिस इकोनॉमी वर्क. तो बिकॉज हम म्यूज़िक हमारे लिए कभी भी बड़ी एक वियर्ड है एज अ बिजनेस. तो सेम फॉर द इन्फ्लुएंसर बिजनेस. तो बिकॉज ऑब्वियसली टॉप पे लोग हैं, वी अंडरस्टैंड, बट जनरली कोई शुरू करना चाहेगा. हाँ, नहीं, आई डू वांट टू शेयर द फिगर्स बिकॉज आई वांट टू चेंज दिस पर्सपेक्टिव ऑफ द मैसेज के बीइंग एन इन्फ्लुएंसर और अ कंटेंट क्रिएटर इज़ नॉट अ रियल जॉब. सो इस महीने में ये जो नवंबर का महीना शुरू हुआ है, आई हैव डन ब्रांडेड डील्स ऑफ मोर देन 500K. सो बट ये नहीं है कि मुझे इसी महीने में अब वो सारे पैसे मिलेंगे. एवरीबडी हैज़ देयर ओन डिफरेंट थिंग्स. या एग्जैक्टली. सो यू कैन एक्चुअली टर्न इट इनटू अ फुल टाइम जॉब एज वेल और आपका अच्छा खासा गुजारा जो है वो पाकिस्तान में हो सकता है. एंड आई मस्ट से यार थैंक यू फॉर बीइंग सो ओपन अबाउट इट. आई थिंक दिस इज, इसलिए हम आप ही से पूछ रहे थे, एक आपके टाइम इज़ योर मोस्ट वैल्यूबल एसेट. तो विच इज़ नाइस टू सी दैट कि यार आप यू कैन मेक इट अगर आप इसको सीरियसली एज अ जॉब एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव देखो. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, मेरा एक सवाल ये था कि लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years एंड लाइक हाउ एसेंशली 5 years इज़ लाइक जनरल एक नंबर है, कुछ सालों बाद कह लेते हैं कुछ साल जनरली टू असेस के हाउ आर यंग पीपल दीज डेज सेटिंग गोल्स फॉर देमसेल्व्स, क्या प्लान्स हैं आपके? ठीक है, सही है. सो व्हेन आई स्टार्टेड बेकरटूथ तो मेरा इनिशियल जो मोटिव था वो कभी भी ये नहीं था कि आई एम गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट. इट वाज बेसिकली यू नो लाइक आई सेड दैट माय डैड, आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम, सो आई वांटेड टू बी मे बी kind of a public figure maybe, yeah, you know, अपना दुनिया तक अपने एक्सप्रेशंस पहुँचाना. और आई ऑलवेज हैड दिस थिंग इन मी ग्रोइंग अप. सो मेरा व्हेन आई स्टार्टेड बेकरटूथ कभी भी ये एम नहीं था कि ओ आई वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, आई वांट टू मोनेटाइज इट. सो ऑल द मोनेटाइजेशन वाली चीज़ जो हम पहले जो क्वेश्चन का जो पार्ट था कि दैट बेसिकली केम एज अ पर्क with all of this. So where I see myself in a couple years, when I started, so main tab my friend, she used to come over to my apartment in Brighton and I used to discuss it with her कि मैंने इस साल के अंदर 1 million followers करने हैं. And she used to say अच्छा yeah, it's nice to be very optimistic but be a bit real. एंड देन थोड़े दिनों बाद मैंने अपना गोल थोड़ा नीचे किया कि अच्छा नहीं 100K हो जाएंगे. सो वाकई विद इन अ ईयर मेरे 100K हुए. और नाउ मैं अपने छोटे छोटे वो गोल सेट करती हूँ. सो व्हेन आई स्टार्टेड तो मेरा एम था अच्छा K आना चाहिए आगे. हम कहते हैं ओ वी आर नॉट हियर फॉर नंबर्स, वी आर ऑल हियर फॉर नंबर्स. आपको फीडबैक तो चाहिए, मे बी यू आर नॉट हियर टू गेट लाइक एक 10 million फॉलोअर्स, लेकिन 100K इज अ गुड नंबर एंड यू आर डूइंग समथिंग दैट शोज अप्रिसिएशन. ऑब्वियसली हर चीज़ नंबर्स के बारे में नहीं बनाना चाहिए. लाइक अगर एक के 100K एक के 500K आई कांट से कि यार वो इन्फ्लुएंसर बेहतर है. डिपेंड्स के इफ आई रेजोनेट विद देयर कंटेंट, इफ दे आर रीचिंग द जो उन लोगों को उन्होंने रीच करना है. बट यस, अच्छा लगता है कि किसको ब्रांड डील्स और केस पसंद नहीं है. सो इट्स अ वेरी गुड पर्क आई थिंक. एंड इट्स या सो पहले इट वाज लाइक K चाहिए मुझे और वो 10K 2 digits आए. अच्छा चलो 10 1 को अब मुझे ना 5 करना है, 50K चाहिए. 50K हुए, आई वाज वेरी एक्साइटेड. अच्छा अब 3 digits होने चाहिए. सो नाउ आई हैव 3 digits एंड अ K. सो नाउ व्हेन आई हिट 200K, क्योंकि मेरा इनिशियल मैंने मेन गोल ये बहुत सेट किया हुआ था. एंड आई हैव टू से कि मैंने एक साल बहुत मेहनत की है कंटेंट क्रिएशन को लेके. एज माय फुल टाइम जॉब मैं इसको लेके चलती रही हूँ, 2 jobs एट द सेम टाइम, बिकॉज माय अदर जॉब इज़ लाइक इट्स प्रीटी इजी गोइंग. और मतलब इतना मुझे उसमें कुछ वो सर खपाई नहीं करनी पड़ती. सो आई गॉट लाइक फॉर अ होल ईयर आई गॉट लाइक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर बेकरटूथ. सो अब जब व्हेन नाउ आई हैव हिट 100K, सो नाउ इट्स लाइक एक वो सेंस ऑफ यू नो कि कुछ अचीव कर लिया मैंने. सो नाउ आई एम लाइक वेरी सेटिस्फाइड. बट आई डू हैव अनदर गोल कि ओ नाउ आई शुड एम फॉर 200K. सो दैट इज़ बेसिकली हाउ आई सेट माई गोल्स. इसमें आई हैव अ क्वेश्चन. आई थिंक which is very good, but ये थोड़ा सा भी एक burnout की तरफ, मतलब you think that, because so one of the most recent examples I have is of Irfan Junejo. I don't know if you saw his video where he was brutally honest what went. He had a mental breakdown and he was off the grid for like a few months. And again, another person I appreciate for being so honest about the usme bhi yahi tha. He's just like ke yaar goals pe goals, and then I was like ke yaar no, I'm not saying ki aapke sath hi hoga, but that is something jo aapke ज़हन में चीज़ होगी कि यार अच्छा उसको हाँ फन है 200K होगा, विल पार्टी करेंगे, गुड है, बट लाइक सम उसको थोड़ा सा आप जितनी बड़ी डील बन रही होती है साथ साथ थोड़ा सा उसको नॉर्मलाइज भी करती ना भी वो अच्छा सही है, डजंट रियली मैटर. तो वो बिकॉज आई थिंक यू हैव टू, आई मीन आपके केस में तो नज़र भी आता है, यू मस्ट हैव दैट सेकेंडरी वॉइस एज वेल. यार ईजी अगर ना भी बात दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि अदरवाइज तो बंदा फिर यू स्टॉप अप्रिशिएटिंग जो आपको लव मिल रहा होता है. तो हाउ, मतलब इज़ इट डिफिकल्ट, बिकॉज आई एम श्योर कंपेटिटिव साइड भी आ जाती है. सो जो मैंने पहले बात की, पहले तो आई गेव लाइक अ वेरी वो ऊपर ऊपर से जवाब आपको. सो मैंने एक साल अपने साथ बहुत जुल्म किया है, अगर इफ़ आई विल जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया और अक्सर दिन, और ये मैंने एक दफ़ा अपनी स्टोरी में भी ये लगाया था कि अक्सर मेरे दिन इस तरह होते थे कि आई यूज़ टू सेट ऑन द फ्लोर एक कॉर्नर में, एंड आई जस्ट यूज़ टू रिफ्रेश द पेज अगेन एंड अगेन एंड अगेन. अच्छा अब इतने, और मुझे पता भी नहीं चलता था कि 3-4 घंटे गुजर जाते थे वहीं पे बैठे बैठे. सो दैट आई वॉज सो बर्नड आउट कि नाउ व्हेन आई हिट 100K, तो अभी आई फील लाइक ओ अच्छा चलो आई हैव अचीव दिस, एंड नाउ आई एम लाइक थोड़ा सा एट पीस. पहले मेरे साथ होता था कि मैं एक हफ्ते में आई यूज़ टू गेट लाइक ऑलमोस्ट ऑन गुड डेज, हफ्ते के अंदर आई यूज़ टू गेट 2,000-3,000 फॉलोअर्स. सो नाउ इट्स बिन आई थिंक 15 days, तो आई गॉट लाइक 100 15 days नहीं, आई थिंक महीना हो गया आई हैड 100K. तो महीने में आई थिंक आई बेरली गॉट लाइक 5,000 followers, and I actually don't care right now. हाँ, I actually don't care. So I did burn myself a lot. फिर उसके बाद मैंने break भी लिया. I took a break and now I keep on taking break. और जो पहला एक साल था उसमें मैं ये करती थी कि मैं डेली कंटेंट पोस्ट करती थी, डेली फॉर अ होल ईयर, डेली 365 days. ईद पे छुट्टी नहीं, संडेज को छुट्टी नहीं, लाइक कोई छुट्टी नहीं, लाइक मैं एवरेज बात कर रही हूँ. अच्छा एवरेज बात, बट एग्जैक्टली डेली. और वीकेंड अगर किसी वीकेंड पे नहीं बनाया तो उस वीकेंड पे स्टोरीज़ पे सबको एक्टिव रखा है. सो इट वाज बेसिकली लाइक दैट, बट नाउ व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि मैंने हफ्ते में चलो 2 दफ़ा कंटेंट लगाना है, बट अगर किसी एक हफ्ते में इस तरह है कि मुझे सारा ब्रांडेड कंटेंट ही लगाना है या 2 हफ्ते वो पूरा बुक्ड है फॉर ब्रांडेड कंटेंट, तो फिर मैं अपना कंटेंट नहीं बनाती. या बट फिर भी वो ब्रांडेड कंटेंट भी अपना कंटेंट ही होता है, आई हैव टू मेक कंटेंट फॉर देम एज वेल. या बट बेसिकली ये है कि आई एग्री विद यू, आई डिड बर्न माई सेल्फ अ लॉट, बहुत ज़्यादा, और नाउ आई फील थोड़ा सा एट पीस. क्यों, और मैं थोड़ा सा ये भी इस चीज़ को भी देख के एट पीस फील करती हूँ कि ऑल दीज MNCs, तो स्टार्टिंग में मैंने यूज़ टू सी अदर इन्फ्लुएंसर्स के अच्छा और शी गॉट अ डील विद फलाना. मुझे पता नहीं था कि ये सारा जो चक्कर है ये मार्केटिंग एजेंसीज के थ्रू होता है. मैं उन्हें मैसेज करती थी, कंपनीज को डायरेक्ट, आई यूज्ड टू मैसेज देम कि ओ हे डू यू हैव एनी एक्टिव कैंपेन, आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ इट. हाँ, तो ऑब्वियसली दे वर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड ना, तो मैं थोड़ा फिर बड़ा डिसअपॉइंट भी होती थी कि ओ दे डोंट वांट टू वर्क विद मी, मे बी इट्स माय कंटेंट या क्या है क्यों. नाउ इट्स लाइक आई डोंट मेक that much content, I don't put in that much effort, but people reach out to me. हालांकि अभी भी मैं उतनी ही effort अपने content में डालती हूँ जितनी मैं 30K पे डालती थी, पर 30K पे जब मैं अपनी effort के पैसे बोलती थी तो they used to laugh at me literally. I 2 दफ़ा मेरे साथ हुआ कि 2 representatives of some agencies, they literally laughed at me, they were like that is so unrealistic. आप अपने followers देखें और Did आप they come ये back after 100K? They came back. No, sorry. I'm sorry. Yeah. I don't know why, but I just want to ask if you had to go back, knowing all of this, the burnt out and Sara, and you had to go back to your the Zainab who was on the floor scrolling. Would you give her some advice to not do that? Would you do it differently, basically? Again, I'm asking it for anyone who's starting something new and उनको इस mad burnout से हैं, because see, one thing जो आपके favor में काम करेगी that you achieved success. Now imagine there's so many people who unfortunately don't achieve their idea of success? I would definitely change the way I did it. There is like कोई यूज़ नहीं है इस चीज़ में कि बार बार अपने व्यूज़ को देखना, लाइक्स को देखना. Post a video and then just let it be. Yeah, just come back after a couple of hours. और honestly अभी मैंने ये अपने साथ experience करके देखा है कि अभी भी at times I just for my own research कि क्या फ़र्क मुझे नज़र आता है. So if I post a video and I keep on refreshing it, तो बेशक अगर मुझे 15 minutes में 10,000 views भी आ रहे हैं ना, वो मुझे कम लगते हैं. But when I post a video, I just you know log out और I come back after an hour. और घंटे के बाद अगर 5,000 व्यूज़ होना, वो मुझे इतने ज़्यादा लगते हैं. इट्स यू नो दैट्स हाउ नंबर्स प्ले विद योर ब्रेन. या सही है. थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस. आई थिंक इट वाज लवली हियरिंग ऑल ऑफ द स्टोरीज. सिजावल आपको कोई और? नहीं वही, इट्स बिकॉज इट्स गुड टू सी द एक्चुअल थिंग हैपनिंग पीछे ना, सो दैट पीपल ऑल्सो लाइक अच्छा रेजोनेट विद इट. अच्छा ये है ऑल, एवरीथिंग इज इन गुड एंड ये सारा वो, बिकॉज देन पीपल गेट डिप्रेस एज वेल. ओ दे हैव परफेक्ट लाइव्स, ये तो इनको कोई टेंशन नहीं. नॉट दैट हम चाहते हैं कि आप लोग की ज़िंदगी में बट विद ह्यूमंस ये होता है, नथिंग इज परफेक्ट. अच्छा आखिरी हमने एक गेम खेली है. अच्छा खेलेंगे जी, हम खेलेंगे गेम ये. सो वी ईच गेट अ पीस ऑफ पेपर, इसमें से निकाल लेती हूँ मैं. आई हैव पेपर, यू गिव इट टू हर. ठीक है. और हमने करना ये कि वी ईच ऑफ अस विल राइट वन लेसन दैट वी लर्नड इन द रीसेंट पास्ट. ठीक है. एंड आई हैव लर्नड सो मेनी. एक कोई लिख दो और हम क्या कहते हैं फिर एक दूसरे के साथ और ऑडियंस के साथ ऑफ कोर्स शेयर करें. आज तो लगता है पंजाब कॉलेज का पेपर सबमिट हो रहा है. हर जगह का पेपर मैं ऐसे ही सबमिट करा दी थी. चलो Why don't we let our guest start? पहले I think हमारी audience को इस तरह दिखा दें आप. सही है. Lights हैं, I doubt के white. But you can just read it out खुद से. So forgive people and circumstances. Okay, and can you elaborate it a bit? Okay, so I used to think a lot about the people who did me dirty, जिन्होंने मेरे साथ कुछ, जिनकी वजह से मैं हर्ट हुई, जिनकी वजह से मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई. और अक्सर औक़ात सर्कमस्टांसिस भी कि ओ शायद अगर उस टाइम पे मेरे पास ये चीज़ होती तो आज मेरे पास ये होता. और मैं इन चीज़ों को सोच सोच के बहुत अपने आप को ही मैं बहुत हर्ट करती थी. सो अभी रिसेंटली ही मैंने ये चीज़ सीखी है कि लेट इट गो एंड फॉरगिव पीपल. That's like very very nice learning. That's amazing. Yeah. सजावल आप पता है आप कर लिया. सजावल को मेरे वाले में बहुत इंटरेस्ट है. ठीक है. मैंने लिखा है डोंट ओवरथिंक, लिव लाइफ थोड़ा सा, so that all answers will come to you eventually, because I'm somebody who likes figuring out everything in my head. ठीक है. And I've been doing that for a while to myself. और होता ये है कि जब आप सारी चीज़ सब सिर्फ अपने दिमाग से फिगर आउट करना शुरू कर देते हो तो then my brain tends to give up at some point. Like it feels like I'm going crazy. अच्छा अब क्योंकि मुझे उसको समझ नहीं आ रही, उसको समझ नहीं आ रही, तो I'm just now like अच्छा यार give yourself time and everything will eventually make sense to you. I think we're all overthinkers. तो हमारा same है. मेरा है कि not to care what people think, because while being an overthinker I became a people pleaser, and not only would I do things जो other would expect of me, and I'll be like वाह वाह यार क्या scene है इसका. But I was unhappy because I wasn't doing anything for myself. That's it from us, Zainab. Thank you so much for taking out the time to do this. Thank you so much for inviting me. I had amazing time.